फ्रेंड्स, आवर टूडेज टॉपिक इज फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी गा गी गे, यानी जो सेंटेंस होता है इन हिंदी उसके लास्ट में गा गी गे आते हैं। ओके, स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं विल और शैल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन गा गी गे, व्यू सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट आई वी अलोंग विद शैल वी यूज एंड इन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन वी यूज आ विल। मीन्स जो हमारा पर्सन होता है आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शैल, और बाकी के जो हमारे प्रोनाउंस हैं या नाउन हैं उन सभी के साथ हम विल यूज़ करते हैं। ओनली आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट फोर स्टेप इन दिस टेंस, सिंपल नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन निगेटिव। एंड दिस टेंस इंडिकेट व्हाट एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसको इंडिकेट करता है। फर्स्टली वी सी फ्यूचर इंडेफिनिट आ सिंपल स्ट्रक्चर। तो सिंपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। मैं कल हॉकी मैच खेलूँगा, आई शैल प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। वह अपना काम करेगी, शी विल डू हर वर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट निगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल शैल जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नेगेटिव। एग्जाम्पल, वह अपना काम नहीं करेगी, शी विल नॉट डू हर वर्क। हम झूठ नहीं बोलेंगे, वी शैल नॉट टेल अ लाई। वे टहलने नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो फॉर अ वॉक। फ्यूचर इंडेफिनिट क्वेश्चन स्ट्रक्चर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो क्वेश्चन हमारे होते हैं तो जो क्या से स्टार्टिंग होती है, इन हिंदी जो क्या से स्टार्ट होते हैं तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, तो उसको सबसे पहले रखेंगे विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल, क्या वे टहलने जाएंगे, विल दे गो फॉर अ वॉक। क्या वे शिमला कल जाएंगे, विल दे गो टू शिमला टुमारो। क्या हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, शैल वी रीड दिस बुक। फ्यूचर इंडेफिनिट क्वेश्चन निगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे इंटरोगेटिव में निगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करना है हमको, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट। क्या हम इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, शैल वी नॉट रीड दिस बुक। क्या हम इस उपन्यास को नहीं पढ़ेंगे, शैल वी नॉट रीड दिस नॉवल। क्या हम शादी में नहीं जाएंगे, शैल वी नॉट गो टू मैरिज। एंड लास्ट इज द इंडेफिनिट फ्यूचर इंडिकेट दैट The action has not happened yet and is yet to happen in the future. Means जो action है वो अभी तक हुआ नहीं है, होगा in future. Okay? So this is our future indefinite.